मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द एस डी पी एस ऑनलाइन क्लासेज दिस इज क्लास सिक्स सब्जेक्ट एस एस एंड द चैप्टर फाइव द वैदिक एज वैदिक एज यानी कि द पीरियड विच बिलोंग्स टू वेदांस ओके ये तो आप सभी को पता होगा कि जो हिंदू धर्म में फोर वेदांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो जो वेदांश जिस युग में लिखे गए दैट पीरियड इज़ नॉन एज वैदिक एज सो लेट्स प्रोसीड

ईसा पूर्व से लेकर छः सौ ईसा पूर्व तक इंडिया टू का स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम अ पेस्टोरल भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया पेस्टोरल नमर लाइफ टू अ सेटल लाइफ यहाँ पर जो चारागाह वाला आदिवासी जीवन ये लोग जी रहे थे तो वहाँ से ये सेटल लाइफ जीने लगे दिस वॉज़ मैट पॉसिबल ड्यू टू लार्ज स्केल सरप्लस प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ये क्यों पॉसिबल हो सका दिस वॉज मैट पॉसिबल ये संभव हो सका ड्यू टू लार्ज स्केल सर बहुत अधिक मात्रा में सरप्लस यानी कि अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर जो उनके पास बहुत अधिक मात्रा में सरप्लस था यानी उनके यूज़ के अलावा भी उनके पास एग्रीकल्चर जैसे कि उन्होंने गेहूँ गेहूँ या ज्वार या बाजरा या चावल ग्रो किया वो उनके यूज़ के लिए बचाने के बाद भी जो उनके पास एक्स्ट्रा बचा था तो वो उनके पास बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस था अलोंग विद द प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक लाइफ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑल्सो एडवांस इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक जीवन में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी प्रगति हुई इंफॉर्मेशन सूचना के स्रोत, कैटेगरीज इतिहासकारों ने वैदिक युग को दो मुख्य कैटेगरीज में वर्गीकृत किया पीरियड ऑफ फिफ्टीन हंड्रेडेंड बी सी टर्म एज अर्ली वैदिक पीरियड एंड वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन थाउजेंड टू सिक्स हंड्रेड बी सी एज लेटर वैदिक पीरियड यानी कि पंद्रह सौ से लेकर हजार ईसा पूर्व तक का जो समय है इसे अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि पूर्व वैदिक काल और जो हजार छ सौ तक का काल है उसे उत्तर काल कहा जाता है। इस काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है वैदिक युग को क्यों कहा जाता है इट इज बिकॉज अवन मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिज पीरियड कम फ्रॉम द फोर वेदान ऐसा इसलिए क्योंकि इस काल की जो हमारी सूचनाओं के मुख्य सोर्स हैं वे वैदिक चार वेदों से आते हैं कनेक्ट टू हिस्ट्री देखते हैं तो ओल्ड एज वेदा इज रेग वेदा सबसे प्राचीनतम जो वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद था द इन क्लूड मोर देन अ थाउजेंड हिम्स इन प्रेज ऑफ वेरियस गोड्स ऋग्वेद के अंदर चार सौ एक हजार से भी अधिक भजन या कहें स्रोत श्लोक भगवान की प्रशंसा में लिखे गए हैं द तो वेदास वर विटेन इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल और जो ये वेदांश हैं ये वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं जो कि हमारी आज की जो संस्कृत आप स्कूल में पढ़ते हैं उससे काफी ज्यादा अलग है सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं दे आर और ये जो फोर वेदांस हैं दे आर द ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा एंड अथर्वेदा और ये जो चार वेद हैं वो ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद और यजुर्वेद हैं द फोर वेदांत की अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्यस एंड देयर रिलीजन सोसाइटी एंड कल्चर और ये जो चार वेद हैं बहुत अधिक जानकारी देते हैं आर्यों के बारे में उनके धर्म के बारे में उनके समाज और उनकी संस्कृति के बारे में हु वर द आर्यंस Aryans कौन थे? कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो आर्यस थे एक सेमी नोमेडिक सेमी यानी कि आधे आदिवासी थे वे पेस्टरल चारा चराने वाले थे पशुओं को बट कल्चर्ड काफी संस्क सांस्कृतिक प्रजाति थी लोगों की दे लिव्ड इन सेंट्रल एशिया वे सेंट्रल एशिया में रहते थे वन ग्रुप लेटर नॉन एज इंडो आर्यन ब्रोक अवे फ्रॉम द मेन स्टॉक ऑफ इंडो यूरोपियन इन सेंट्रल एशिया एंड एंड स्टवार द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो इनमें से एक समूह था जिसे इंडो आर्यन कहा जाता है उन्होंने जो मेन स्टॉक था इंडो यूरोपियंस का सेंट्रल एशिया में उसको छोड़ दिया और वहाँ से वे ईस्ट की ओर चलते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे दिस इजम्शन इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट देर सर्टेन वर्ड्स एंड टर्म्स आर कॉमन बोट टू द यूरोपियन लैंग्वेज एंड द इंडो आर्यन लैंग्वेज और इस तरह की धारणा के सपोर्ट में ये फैक्ट दिए गई ये तथ्य दिए गए कि कुछ वर्ड्स जो कि यूरोपियन लैंग्वेज के या यूँ कहें इंडो आर्यन लैंग्वेज के हैं वो बिल्कुल कॉमन हैं उदाहरण के लिए इंडो आर्यन लैंग्वेज जो संस्कृत थी उससे सिमिलर है फॉर एग्जाम्पल मैथ्री इन संस्कृत एंड मदर इन इंग्लिश उदाहरण के लिए संस्कृत में मातृ मात्र कहते हैं और इंग्लिश में मदर भारत इन संस्कृत एंड ब्रदर इन इंग्लिश संस्कृत में भार भारत कहते हैं भारत और इंग्लिश में ब्रदर एंड ब्रडर इन जर्मन दैट इज़ वाई संस्कृत कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज और इसीलिए संस्कृत को जो भारतीय इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस फैमिली है लैंग्वेजेस की उसका पार्ट कहा गया है दिस फैमिली इंक्लूड्स इंडियन लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत हिंदी असमीज गुजराती कश्मीरी सिंधियन यूरोपियन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन स्पेनिश और इस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो फैमिली इसमें जो भाषाएं है शामिल हैं उसमें भारतीय भाषाओं में संस्कृत हिंदी आसमीस गुजराती कश्मीरी और सिंधी हैं जबकि यूरोपियन लैंग्वेज में इंग्लिश फ़्रेंच जर्मन इटालियन स्पेनिश लैंग्वेज शामिल है द लैंग्वेज लाइक तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज और जो साउथ की लैंग्वेज जैसे तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये सब द्रविड़ियन जो लैंग्वेज फैमिली है वहाँ से उनसे बिलोंग करती है यानी उनसे संबंधित है यानी जो हमारी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है और जो हमारी साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं वो द्रविड़ियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है लैंग्वेजेस यूज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिलोंग टू द इंडो बर्मन फैमिली सॉरी तिब्बतो बर्मन फैमिली और जो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व के राज्यों में जो भाषा बोली जाती है वो तिब्बत तो बर्मन फैमिली लैंग्वेज फैमिली की हैं जबकि एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेज जबकि झारखंड या मध्य भारत के भागों में कुछ भागों में जो भाषा बोली जाती हैं वो ऐस्टो एसिटिक यानी कि ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई भाषाओं के परिवार से संबंधित हैं प्रोबेबली एज द पॉपुलेशन ऑफ इंडो यूरोपियन इंक्रीज दे वर फोर्स टू मूव आउट फ्रॉम देअर ओरिजिनल प्लेस इन सर्च ऑफ न्यू शेल्टर्स एंड पोस्टर्स और जैसे जैसे संभवतः जैसे जैसे इंडो यूरोपियन लोगों की जनसंख्या बढ़ी होगी उन्हें मजबूर होना पड़ा होगा अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के शेल्टर्स यानी शरण और पाश्चर चारागावों को ढूंढने के लिए नए स्थानों पर इट इज़ ऑल्सो लाइकली देट दे इज आरियंस हैमलैंड एंड ड्यू टू सम डिजीज और डॉट्स, ड्रॉट्स और सब यह भी संभव है कि ये जो आर्यनस हैं इन्हें छोड़ना पड़ा हो अपना होमलैंड अपना गृह निवास अपना स्थानीय एरिया कुछ बीमारी या किसी सूखे अकाल की वजह से दोस्त वो माइग्रेट टू इंडिया केम टू बी नॉन एज इंडो आर्यन और वे प्रजातियाँ जो यूरोप छोड़ के भारत आ गई हैं उन्हें इंडो यूरोपियंस या इंडो आर्यन कहा जाता है डिवीज़न ऑफ द वैदिक पीरियड अब हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड का डिवीजन विभाजन द आर्यंस एंटर्ड इंडिया इन स्टेजेस जो आर्यंस थे वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चरणों में भारत में आए द अर्ली आर्यंस फर्स्ट सेटल अराउंड रिवर इंडस एंड द रिवर सरस्वती दैट नाउ ड्राइड अप जो सबसे स्टार्टिंग में आर्यंस आए थे वो सेटल हो गए थे रिवर इंडस के पास और रिवर्स सरस्वती के पास दैट हैज़ नाउ ड्राइड अप जो कि अब सूख चुकी हैं दिस स्टेज ऑफ हिस्ट्री दैट इज अ पीरियड बिटवीन फिफ्टीन हंड्रेड बी सी एन थाउजेंड बी सी इज नॉन एज अर्ली वैदिक पीरियड और ये जो हिस्ट्री की स्टेज है यह जो चरण इतिहास का ये पंद्रह सौ से लेके एक हज़ार हिस्सा पूर्व का इसे हम अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि पूर्व वैदिक काल कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस कम्स फ्रॉम द ऋगवेद दिस पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज द ऋग्वैदिक पीरियड और क्योंकि इस काल के जो सोर्स हैं हमारे हमें पा हमारे पास ऋग्वेद से हमें प्राप्त हुए हैं तो कि सबसे प्राचीनतम वेद है और इसीलिए से हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं ग्रेजुअली द आर्यस मूड आईड एंड सेटल्ड इन गंगा वैली और धीरे धीरे आर्यस आगे बढ़े और गंगा वैली में शिफ्ट हो गए रहने लगे सेटल हो गए दे रीनेम्ड द एंटायर रीजन अंडर देयर कंट्रोल एज आर्यवर्त व्हिच मींस द लैंड ऑफ आर्यंस और उन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम अपने नियंत्रण में बदलकर आर्यवर्त कर दिया जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस यानी आर्यों की भूमि दिस पीरियड बिटवीन 1000 बीसी एंड 600 बीसी इज नोन एज द लेट वैदिक पीरियड और यह जो पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसे हम लेटर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल कहते हैं द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड आ द यजुर्वेदा द सांवेदा एंड अथवेदा और जो मुख्य सोर्स हैं मुख्य स्रोत हैं सूचना के इस काल के वो हैं यजुर्वेद सामवेद और अथवेद